भेरिया टाउन कराची में बनने जा रहे हैं इंतहाई सस्ते नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अपार्टमेंट्स। अब ये अपार्टमेंट्स किधर बनने जा रहे हैं, पेमेंट प्लान क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, आइए जानते हैं ये सारी डिटेल्स भेरिया रियल स्टेट के जाने माने फेस साइम सुलेरी से। अस्सलाम वालेकुम साइम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अरूबा, मैं बहुत अच्छा हूँ और तंदुरुस्त हूँ, तवाना हूँ, कोरोना से अल्हम्दुलिल्लाह बचा हुआ हूँ। और बहुत अच्छा आपने सवाल उठाया और टाइम निकाला आपने हमारे लिए। अब बेसिकली ये कहाँ बनने जा रहे हैं? बिल्कुल, लोकेशन इसकी अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देखें तो स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह समझ नहीं आ रही होगी। ये बेसिकली ये बनने जा रहे हैं, आप अगर बहरिया टाउन के गेट से एंटर होते हैं तो 40 किलोमीटर अंदर जाके बहरिया ग्रीन्स है। बहरिया ग्रीन्स प्रीसेंट 61, 62, 63, उसके बाद बहरिया ग्रीन्स आता है। बहरिया ग्रीन्स के बाद बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो रहा है और बहरिया टाउन की जो मैनेजमेंट है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही है। और मैंने एक लास्ट वीडियो भी इसके ऊपर की थी और आज की वीडियो के अंदर भी बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो दो बिल्डिंग्स हैं वो तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी हैं, फिनिशिंग होगी उसकी। यहाँ पे ये ग्राउंड प्लस 4 का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कि मतलब 2 बेड के अपार्टमेंट, 600-700 स्क्वायर फीट के 2 बेड अपार्टमेंट, जो कि एक अच्छी लिविंग है, बुरी नहीं है, नॉट बैड, कि बहरिया टाउन बना के दे रहा है। अब सवाल ये आता है कि बहरिया टाउन ही क्यों बना के दे रहा है? बिल्कुल, अगर अरूबा आप देखें तो क्या, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि बहरिया टाउन से बेहतर सोसाइटी इस वक्त डेवलपमेंट के लिहाज से पूरे एशिया के अंदर कोई है? बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ इतनी फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन। हाँ बिल्कुल, अगर आपकी नॉलेज में हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हाँ बिल्कुल ये सोसाइटी बहरिया से बेहतर है। डेवलपमेंट देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो बहरिया सबसे पहले जो काम करता है वो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर करता है। यहाँ पर भी आपको रोड की कटिंग्स, आपको तमाम डेवलपमेंट, तमाम चीज़ें तो बहरिया वाली इंजॉय करेंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि बहरिया का ही हिस्सा एक तरह से है कि बहरिया ने अकोमोडेट कर दिया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम को भी। अब वो तमाम लोग जो कि एक लो कॉस्ट के ऊपर अपार्टमेंट परचेज करेंगे, और कितने अर्से के अंदर करेंगे, आपको आइडिया है इस चीज का? बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो इनफैक्ट क्राइटेरिया भी, जाहिर सी बात है इस वीडियो के बाद लोग कमेंट करेंगे कि क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग ये अपार्टमेंट ले अच्छा, सकते हैं? ये वो लोग अपार्टमेंट ले सकते हैं जिन्होंने आज से 1.5-2 साल पहले, आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने कहा था नया पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो जाएं। कौन लोग रजिस्टर्ड हो जाएं? वो तमाम हजरात जिनके पास अपने घर नहीं है, जो कि लो सैलरी वाला तबका है, वो तमाम अफराद इसके अंदर एलिजिबल होंगे। और वो तमाम अफराद जिनके पास अपनी मतलब के कह लें कि बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास जो जिनको हम बोलते हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए है। बैंक से 20-20 साल की लीज होगी, 20-20 साल इंस्टॉलमेंट चलेंगी इनकी, और इसका एक जो शरिया का जो एक चलता है कि किस तरह से पेमेंट होगी, ये एक अलग एक बहस है कि किस तरह से इसकी होगी। इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से होता है कि आपका जो हिस्सा पे होता जाता है, बेसिकली बैंक आपसे रेंट की सूरत में वो काटता है, और वो जैसे जैसे पे होता जाता है बैंक उसको डिडक्ट करता जाता है, उस उतने हिस्से के आप मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो तमाम लोग इसमें एलिजिबल होंगे जो कि जिनके पास बहुत कम इनकम है। मज़े की बात बताऊँ कि मैंने भी 2002 साल पहले जब मैंने इसमें, उस वक्त तो कोविड का सिलसिला भी नहीं था, रजिस्ट्रेशन करवाई होगी। हाँ बिल्कुल, उस वक्त मेरे पास एक बाइक होती थी, रजिस्ट्रेशन मैंने भी उस वक्त करवा ली थी। अब कहेंगे जी 250 रुपया गवर्नमेंट ने ले लिया था, अब ये वो 250 रुपया उन लोगों के काम आएगा, गवर्नमेंट इसकी स्क्रूटनी करेगी। ये तमाम वो 250 रुपया कह लें कि अब वो कैश आउट होने का टाइम है, जिन लोगों ने अपनी वो भेजी थी डिमांड्स कि भाई हमें कहाँ कहाँ अपार्टमेंट चाहिए, तो अब ये चीज़ निकल के बाहर आएगी कि वो लोग इसमें एलिजिबल हो जाएंगे और बाकी लोग सोचेंगे कि यार हमने उसको क्यों नहीं किया। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में लोग बहरिया में रहना चाहते हैं और इतने कम बजट में, और जो लोग क्राइटेरिया पे नहीं उतर पाएंगे उनके लिए क्या ऑप्शन होंगे? देखिए जो लोग क्राइटेरिया पे नहीं उतर पाएंगे, देखें वही एक टाइम था ना जब बहरिया ने प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट लॉन्च किए थे, 24 लाख रुपए का अपार्टमेंट था, हम इस वक्त 90 लाख रुपए कीमत चल रही है, सोच रहे थे यार काश उस वक्त खरीद लिया होता। आपके पास देखें काश का वर्ड हर उस बंदे के लिए होता है जो ये सोचता जंगल में जाके कौन रहेगा, वही इस काश को सारी ज़िंदगी भुगतता है, अपने बच्चों से कहता है काश हमने ले लिया होता, अपने पोतों से कहता है काश हमने उस वक्त ले लिया होता।
तो उस कास्ट से बचने के लिए आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम है कि आप लोग अगर वहाँ नहीं वेरी कर सकते, देखें आजकल के दौर में गाड़ी एक हर छोटी गाड़ी भी हर एक आम बंदे के पास है, और मेरे ख्याल से वो बंदा भी इसमें वेरी नहीं करेगा जिसके पास गाड़ी होगी, वो भी इसके अंदर फॉल नहीं करता होगा। हालांकि गाड़ी नीड है इस वक्त, वो लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बंदा इसके अंदर फॉल नहीं करेगा जो कि जिसके पास गाड़ी होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसान इंस्टॉलमेंट के अंदर बहरिया के जो शुरू में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं आप उनके अंदर ले सकते हैं। अब वो अपार्टमेंट भी देखें 36 लाख रुपए से शुरू हुए थे, आज वो 45 लाख रुपए पे वन बेड पहुंच गया, वो भी आपका 450 स्क्वायर फीट का, तो वो भी खरीदने के लिए अभी आपके पास टाइम है। जब ये टाइम भी गुजर जाएगा उसके बाद आप फिर सोचेंगे काश जब 45 लाख रुपए का तब परचेज कर लिया होता। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आए इंस्टॉलमेंट प्लान बनाएं, बैठ के डिस्कस करें। देखिए जब तक आप किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे आप उस पर नहीं कर सकते। बाज़ लोग तो यही डरते रहते हैं कि यार हम इसको कॉल करें या ना करें, पता नहीं हमारी बजट में आएगा या नहीं आएगा। देखिए फर्स्ट स्टेप मैं कहता हूँ हमेशा मुश्किल होता है, अगर आप डायरेक्ट छलांग मार के जाएंगे तो दरमियान का जो गैप है वो आपको गिरा देगा। आप फर्स्ट स्टेप से जाएं, फर्स्ट स्टेप से होते 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 आप इंशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि डायरेक्ट आप 50 करोड़ वाली चीज पे छलांग मारें, आप छोटे से शुरुआत करें। शुरुआत करना मायने रखता है, इसी तरह नया पाकिस्तान जो बन रहा है उसके अंदर लोगों ने शुरुआत कर ली थी 2 साल पहले, किसी को नहीं पता था, आज वो फायदे में रहेंगे। मैंने भी किया था, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, मेरे पास वैसे अपनी जाती प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, अल्लाह करे मुझे मिल जाए तो मैं भी, जारी बात है हर किसी का ख्वाब होता है कि उसके पास अपना घर हो, तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी बीवी तो बहुत अरसे से पीछे पड़ी है कि घर बना के दें, तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा घर अल्लाह ताला मुझे इसी तरह से दे दे, अगर नहीं तो मैं फिर प्लान करूंगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट जाहिर बात है कि आप अगर महीने का कमा रहे हैं उसमें से पहले सेविंग करें, बाद में आप अपने खर्चे करें। सेविंग पहले होती है, सेविंग बाद में नहीं होती, पहले सेविंग कर लें, वो आपको एक अच्छे एंड की तरफ ले जाती है। और हमारे ओवरसीज क्लाइंट्स जिनका ख्वाब है कि वो भी बहरिया में इन्वेस्ट करें लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वो डरते हैं बहरिया में इन्वेस्ट करते हुए, उन्हें आप क्या बोलेंगे? देखिए डरते, ओवरसीज डरता नहीं है, ओवरसीज सिर्फ ये कहता है मुझे आप अच्छी तरह से गाइड करें ना उनको, तो ओवरसीज आपके साथ बना रहता है। मेरे जितने भी ओवरसीज क्लाइंट्स हैं वो मेरे साथ बने हुए हैं, आप उनको प्रॉपर टाइम दें, वो टाइम मांगते हैं, वो सेटिस्फेक्शन मांगते हैं, क्योंकि ओवरसीज बंदा यहाँ आ नहीं सकता, अगर उसने आप पे ट्रस्ट कर लिया तो वो आपको डायरेक्टली पेमेंट कर देता है, फिर आपका काम है, आप बैक पे मत जाएं, आप उनको प्रॉपर लेके चले, प्रॉपर थ्रू चैनल लेके चले। बाज लोग तो कहते हैं भाई हम आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं, मैं कहता हूँ भाई क्यों भेजते हैं मेरे अकाउंट में पैसे, आप कंपनी अकाउंट में पैसे भेजें ताकि उसके बैक पे मैं हूँ, मैं आपको उनकी तमाम उनकी रिसीड्स, उनकी सारी रिसीविंग्स, आपकी फाइल अपडेशन सारी चीज़ें वो मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आपको लेके प्रॉपर चलूँगा। तो यही काम ओवरसीज क्लाइंट मांगता है कि उनको सेटिस्फेक्शन, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके दें, वो आपसे लॉन्ग टर्म चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर साइम, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे नाज़रीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अपार्टमेंट्स और सस्ते अपार्टमेंट के हवाले से आगाही फराहम की जो बहरिया टाउन कराची में सिर्फ 5 लाख से अब भी पॉसिबल है। अब नाज़रीन अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या बहरिया टाउन कराची में अपने घर के ख्वाब को पाए तकमील तक ले जाना चाह रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे राबता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।